तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय एटमोस्ट वन एम्प्लॉय। हर एक डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्प्लॉय द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो हमें निकालना है इसका रिलेशनशिप क्या है। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप क्या है। एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट, इसका रिलेशनशिप हमें निकालना है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका एम्प्लॉय सेट, यहाँ पे लिख लीजिए E1, E2, E3, E4, कुछ भी ले सकते हैं और कितने भी ले सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट सेट D1, D2, D3। तो देखिए एटमोस्ट वन एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब हो गया, या तो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है। एटमोस्ट का क्या मतलब हो गया, लेस, एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू वन, या तो एक से के बराबर होगा या एक से कम हो गया, यही मतलब होता है ना एटमोस्ट का। तो देखिए तो इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे एटमोस्ट की जगह एटलिस्ट होता तो हम इसको कैसे बनाते। तो देखिए एटलिस्ट के अंदर क्या हो जाता, यहाँ पे आप सेट बना दिए वापस एम्प्लॉय का E1, E2, E3, E4, और ये क्या हो जाएगा डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट इज़ मैनेज बाय एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। अगर वहाँ पे एटलीस्ट लिखा होता तो हर एक डिपार्टमेंट कम से कम एक एम्प्लॉय द्वारा मैनेज होता। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे कम से कम एक एम्प्लॉय द्वारा डिपार्टमेंट मैनेज होता, तो एक एम्प्लॉय तो ये ही है। क्या मैं ऐसे भी कर सकता था इसके अंदर, हाँ क्या मैं ऐसे भी कर सकता था, हाँ ये एटलीस्ट केस है ना। अगर ये केस एटलीस्ट दिया होता तो क्या ये डायग्राम ऐसे ही बनता ना, हर एक डिपार्टमेंट कम से कम एक एम्प्लॉय द्वारा मैनेज किया जा सकता है। पर इसके अंदर हमें केस क्या दिया हुआ है, एटमोस्ट, क्या दिया हुआ है एटमोस्ट केस दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्प्लॉय द्वारा एक डिपार्टमेंट मैनेज किया जा सकता है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इससे। तो क्या मैं E2 को D1 से कनेक्ट कर सकता हूँ, वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्प्लॉय द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो इस डिपार्टमेंट के सेट के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट ही रहेंगे जिसको कोई भी एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर रहा होगा। कैसे पता चला, यह दिया हुआ है एटमोस्ट वन एम्प्लॉय, मतलब या तो एक एम्प्लॉय होगा या एक भी एम्प्लॉय नहीं होगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए दूसरे को, और हमें E1 के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है कि क्या E1 यहाँ पे अकेला E1 एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डायग्राम बन चुका है। समझ में आई बात, दे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके बारे में हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एक एम्प्लॉय रह सकता है। तो इसका देखिए एक एम्प्लॉय है, हाँ इसका एक एम्प्लॉय है। D3 का मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि एटमोस्ट दिया हुआ है, पर इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय है उसको एक डिपार्टमेंट मिलना ही चाहिए या एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहीं भी दिया हुआ नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया। यहाँ पे और चाहे तो आप एक और बना लीजिए D4 और E2 को और कनेक्ट कर दीजिए फर्दर, पर एक ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा जो खाली रहेगा, क्योंकि मुझे एटमोस्ट की कंडीशन फुलफिल करनी है। और यहाँ पे मैं खाली क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि E3, E4 या सारे के सारे जो एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट करेंगे रिलेशनशिप के अंदर। ओके, तो चलिए अब इसकी कार्डिनलिटी बता दीजिए आप, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी मैनी, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। पार्टिसिपेशन पूछा नहीं है, बता सकते हो आप, इसका क्या होगा 0, इसका भी क्या होगा 0, मतलब पार्शियल और पार्शियल। तो बना दीजिए इसका ER डायग्राम। ये क्या हो गया आपका एम्प्लॉय, और ये क्या हो गया आपका एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट।
यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये मैंने सब बता रखा है। तो एम्प्लॉय टू डिपार्टमेंट जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसा है आपका, वन टू मेनी। कैसा है आपका वन टू मेनी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन टू मेनी बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपको यहाँ पे देखना एटमोस्ट जो दिया हुआ है उसे एम्प्लॉय के बारे में दिया हुआ है और है ना डिपार्टमेंट जो मैनेज करेगा, बाकी के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं दी हुई है। तो देखिए एक और एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये केवीएस एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, शायद केवीएस या DSSB बोर्ड किसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको ये डायग्राम्स दे रखे हैं सेट के। तो स्टूडेंट का सेट है यहाँ पे S1 S2 S3 S4 और एक कोर्स का सेट है। ओके तो स्टूडेंट हैव कोर्स, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हैव कोर्स तो आपको निकालना है। तो फटाफट इसकी कार्डिलिटी बता दीजिए, इसकी कार्डिलिटी क्या होगी, वन, एक ही रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और इसकी कार्डिलिटी क्या होगी, मेनी। ये क्या हो जाएगा आपके पास, मेनी। तो आपको इसका ए आर डायग्राम बताना है और आपको बताना है इसका रिलेशनशिप स्टूडेंट टू कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेनी टू वन। समझ में आया आपको, चलिए थैंक यू।